डिफरेंट, अगर आप भी हमारे इस लड़ाई में आगे आना चाहते हैं, आप इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप भी आईआईटी जेएम या सीसीएम को अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डिफरेंट आप आगे आओ। आज वीडियो को सब्सक्राइब करने या लाइक करने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा। वेलकम डिफरेंट, मैं पीके सर मोटिवेटर। तो डिफरेंट अगर आप इस फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप आईआईटी एनआईटी को इस बार पार्टिसिपेट करें तो डिफरेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल है सर कि अगर हम 30 सितंबर तक अगर हम अपना फाइनल ईयर का रिजल्ट जो है आईआईटी एनआईटी में सबमिट नहीं करा पाएंगे तो क्या हमारी सीट जो है कैंसिल हो जाएगी, क्या हमारी जो बैलेंस फीस हमने पे की है क्या वो हमारी जब्त कर ली जाएगी। स्टूडेंट बिल्कुल भी ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बाकी जो है बिल्कुल साफ साफ कह रखा है आईआईटी जेब ने और सीसीएमएन काउंसलिंग ने कि आप 30 सितंबर तक अगर आप रिजल्ट जमा नहीं करवाते हैं, सबमिट नहीं करते, तो आपका जो सीट कैंसिल हो जाएगा, आपकी जो है एक साल खराब हो जाएगी। स्टूडेंट तो क्या इसमें आपकी गलती है? अगर आप 30 सितंबर तक आपका यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाता है, आपकी यूनिवर्सिटी जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाती, तो इसमें स्टूडेंट की गलती कहाँ है? ऐसे कैसे स्टूडेंट का एक साल खराब कर देंगे, ऐसे कैसे स्टूडेंट का जो है फीस खा जाएंगे, 30,000 रुपये पता नहीं किस किस तरह से एडजस्ट करके स्टूडेंट पे करते हैं वो ऐसे कैसे खा जाएंगे? ये गलती सिस्टम में है, गवर्नमेंट सिस्टम में गलती है, इसको सुधारने की जरूरत है। आईआईटी एनआईटी को यूजीसी से बातचीत करनी चाहिए। ऐसे कैसे रूल निकाल दिया, स्टूडेंट से एफिडेविट ले लिया, स्टाम्प पेपर ले लिया, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ले लिया कि अगर आप 30 सितंबर तक रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो आपका सीट जो है कैंसिल कर देंगे, ऐसे कैसे आप एक साल खराब कर दोगे? ये कहाँ का नियम हुआ? ये मुझे लग नहीं रहा कि ये देश अभी लोकतांत्रिक रह गया है। ऐसे तो बिल्कुल ऐसे कैसे, इसमें स्टूडेंट की गलती कहां पर है? सिस्टम की गलती है, गवर्नमेंट के नहीं करा पा रही, यूनिवर्सिटीज नहीं करा पा रही है एग्जाम को कोरोना की वजह से, तो इसमें स्टूडेंट की गलती थोड़ी है। स्टूडेंट का साल भी खराब कर दोगे आप, उसके पैसे थोड़ी खाता होगे। अभी टाइम लेना चाहिए, पूरी दुनिया है बेहाल है और आप 31 सितंबर तक रिजल्ट ले रहे हो, तो आप यूनिवर्सिटी से लो ना, यूजीसी से पे, यूजीसी पे आप तो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है, तो इसमें गलती स्टूडेंट की नहीं है, यूनिवर्सिटीज की है, गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट को यूजीसी को यूनिवर्सिटी पे प्रेशर देना चाहिए कि आप 30 सितंबर तक आप रिजल्ट जारी करो, या तो स्टूडेंट को प्रमोट करो, या फिर एग्जाम कंडक्ट कराओ, या फिर ये जो 30 सितंबर डेट है इसको इंक्रीज करो। ये सर स्टूडेंट आपके साथ बिल्कुल भी हमें अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन स्टूडेंट आपको भी आगे आना होगा और हम लीगल तरीके से हमें पूरा डिस्कस करके हम लीगल तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे स्टूडेंट बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आपको भी आगे आना होगा स्टूडेंट। अगर आप ऐसे ही सोते रहोगे, ऐसे ही आप ओनली बस ये सोते रहोगे कि देखा जाएगा, तो कुछ नहीं होगा स्टूडेंट, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा और अभी जो फीस है वो भी आपकी जो है खाली जाएगी, खा के डकार भी नहीं आएगी इन लोगों को। आपका जो फीस है वो एनआईटी के पास नहीं जाएगा, वो आपका जो इनकी अथॉरिटी है इनके पास जाएगा और अथॉरिटी से वो गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा स्टूडेंट, या फिर गवर्नमेंट उनको बजट में कम देगी एनआईटीज को, तो वहां पर वो एडजस्ट कर लिया जाएगा। डिफरेंट, अगर आप भी हमारी इस लड़ाई में आगे आना चाहते हैं, आप इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप भी आईआईटी जेएम या सीसीएमएन को अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डिफरेंट आप आगे आओ। आज वीडियो को सब्सक्राइब करने या लाइक करने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके डिफरेंट आज इसको शेयर रखना, आज इस वीडियो को वायरल करना डिफरेंट, जो भी आपके स्टूडेंट जो भी जहां भी आपके पास जगह है वो सोशल मीडिया में, वहां पर इस वीडियो को आप वायरल कीजिए। जब तक इसके बारे में जो डेट इंक्रीज नहीं होगी, 30 सितंबर से ज्यादा डेट इंक्रीज नहीं होगी, या फिर कोई इसके बारे में स्टेटमेंट नहीं आता है, तब तक स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट को लेकर हम रुकेंगे नहीं और पूरा डिस्कस करेंगे हम इसके आगे अगेंस्ट, हम इसके प्रोटेस्ट करेंगे स्टूडेंट। तो आप इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं स्टूडेंट, प्लीज आप आगे आओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।